मशहूर गजल गायक पंकज उपदास का निधन सोमवार को 72 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद हो गया। उनकी पुत्री नायाब उदास ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में पंकज उदास के मौत की खबर साझा की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई और हर कोई स्तब्ध होकर अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि देता नजर आया। बता दें कि पद्मश्री पंकज उदास का जन्म किसान परिवार में 17 मई 1951 में गुजरात के जीतपुर में हुआ था और घर में संगीत का माहौल होने के कारण उनकी गायकी का सफर महज साल भर की उम्र से ही शुरू हो गया था। जबकि उनके निधन से संगीत जगत और पूरे फिल्म जगत के साथ देश दुनिया और उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं इसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन, सोनू निगम समेत फिल्म, संगीत, राजनीतिक, व्यापार और मनोरंजन जगत से जुड़े कई लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए पंकज उदास के निधन को संगीत जगत और देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। लेजेंडरी सिंगर पंकज उदास के मौत की खबर के बाद उनके प्रशंसक उनके द्वारा गाए हुए गीत और गजलों को पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भागलपुर कला केंद्र में परिधि की ओर से आयोजित होने वाली सृजन मेला को लेकर सोमवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजकर्मी रामशरण ने की। अपने संबोधन में रामशरण ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से सृजन मेला का आयोजन लगातार जारी है, जबकि इसमें भाग लेने वाले कई प्रतिभागी अब अपने बच्चों को भी साथ लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों और अभिभावकों को इस मेले का साल भर इंतजार रहता है। सृजन मेला उत्कोत्तर विकास करता जा रहा है, जिसमें कई आयाम भी जुड़े हैं। कला केंद्र के प्राचार्य राजीव कुमार सिंह ने कहा कि इस वर्ष परिधि सृजन मेला का आयोजन 20 से 25 अप्रैल को कला केंद्र भागलपुर में किया जाएगा। कार्यक्रम 3 खंडों में आयोजित होगा, जिसमें प्रथम खंड में बच्चों और युवाओं के सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में सामाजिक मुद्दों पर पोस्टर निर्माण, क्राफ्ट निर्माण, फोटोग्राफी, क्ले मॉडलिंग, चित्र प्रतियोगिता और मंजूषा चित्रकला प्रतियोगिता होंगी, जबकि इसमें नाटक, सामूह गीत, समूह नृत्य, लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत, लोक गीत के अलावा कई प्रतियोगिताएं भी शामिल रहेंगी। वहीं दूसरे खंड में भागलपुर समेत बिहार के कई जिलों से पहुंचे कलाकारों के कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। बैठक में शारदा श्रीवास्तव ने कहा कि इस वर्ष छोटे बच्चों के लिए भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाला रूप सज्जा प्रतियोगिता बहुत ही आकर्षक होने वाला है। बैठक में उदय, उज्ज्वल घोष, गौतम कुमार, संजय कुमार समेत कई सांस्कृतिक कर्मी एवं रंग कर्मी मौजूद थे। भागलपुर में रविवार को शबे बरात का पर्व पूरे परंपरा और अकीदत के साथ मनाया गया। इसको लेकर मस्जिद, खानकाहों और दरगाहों पर चहल पहल देखने को मिली, जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में काफी उत्साह देखा गया। विभिन्न मस्जिदों में लोगों ने अल्लाह की इबादत करते हुए खुदा से अपने गुनाहों के लिए तौबा कर खुशहाली की दुआ मांगी। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान में पहुंचकर अपने पूर्वजों के लिए मगफिरत की दुआएं भी मांगी। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा, जिससे मस्जिद और कब्रिस्तान गुलजार बना रहा। शब-ए-बरात पर्व को लेकर सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग तैयारियों में लगे रहे, जबकि मुजाहिदपुर जामा मस्जिद, मौलाना चक, ततारपुर, खंजरपुर, कबीरपुर, गनीचक, भिकनपुर, हुसैनाबाद, शाहजंगी समेत शहर में मौजूद कई मस्जिदों और कब्रिस्तानों में साफ सफाई कर रोशनी की व्यवस्थाएं की गई। घरों में भी महिलाओं ने साफ सफाई करने के बाद पकवान बनाया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने पूर्वजों के कब्रों पर फातिहा भी पढ़ा। पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच काफी उत्साह देखा गया और कब्रिस्तान के साथ घरों को भी लाइट एवं झालरों से सजाया गया। मुबारक हो मोमिनों, आई शबे बरात, रहमत खुदा की बनके छाई शबे बरात, रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग ले, हमने है इसलिए बनाई शबे बरात। शबे बरात मुसलमानों के लिए ख़ास इबादत है। इस रात में अल्लाह तबारक व ताला
बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश व नजात फरमाता, जैसा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशाद फरमाते हैं। इसी रात में फरिश्तों के हवाले ये भी लिखा जाता है कि कौन इंसान इंतकाल करेगा, इंसान कौन इंतकाल करेगा, कौन पैदा होगा, किसको मुसीबत आनी है, किसको रोज़ी रोज़गार कितना मिलना है, यानी सारे तकसीम फ़ीहा युफ़रकुकुल्लु अमरिन हकीम। इस रात में, मुबारक रात में हर हिकमत वाला काम बाँट दिया जाता है। बंदे खुदा, हम और आप जो है रात इबादत करके, मोहब्बत भाईचारगी करके के जो है इबादत करके रात गुजारते हैं, ताकि तौबतुन्नसुहा करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, कि आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद, उल्फत व मोहब्बत रहे, एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, माँ बाप की खिदमत व इताअत का वादा लेते हैं। और ये मुबारक रात, जिस रात में मरहूमीन की रूहें भी पलट के आती है, हम लोग कब्रिस्तान भी जाते हैं, कब्रिस्तान जाके फातिहा खानी कर कुरान की तलावत, रब की बारगाह में दुआ व इस्तिग़फ़ार करते कराते हैं, और इसका फ़ायदा यकीनन पहुंचता है। मज़ारात पे हाज़िरी देते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, तहज्जुद सलातु तस्बीह पढ़ते हैं, अपनी मस्जिदों को इबादतों से। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बन रहे 554 रेलवे स्टेशन और 1500 रोड ओवर ब्रिज का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से सोमवार को किया गया, जिसको लेकर भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत भागलपुर दुमका रेलखंड के अंडरपास ब्रिज संख्या 7 और 9 का भी शिलान्यास हुआ। इस दौरान टिकनी रेलवे स्टेशन प्रबंधक अरुण कुमार सिंह के द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भागलपुर रेलवे स्टेशन डायरेक्टर हृदय नारायण, जगदीशपुर मुखिया लालमती देवी, पैक्ष अध्यक्ष सकी चंद विश्वास एवं जगदीशपुर पंचायत प्रतिनिधि घनश्याम मंडल ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य विद्यालय जगदीशपुर एवं मध्य विद्यालय अंगारी के बच्चों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुफ्त उठाया। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने योगीवीर, कोला खुर्द, कोला नारायणपुर, डंडा बाजार होते हुए गोराडी को जोड़ने वाली अंडरपास का निर्माण करवाने की अपील की। मौके पर प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। भागलपुर गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का विवादित बयान फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के महिला की हत्या को लेकर भड़काऊ बयान जारी किया है। बता दें कि भागलपुर के रंगरा में बीते रविवार को लापता महिला की हत्या मामले में जमकर बवाल हुआ था, जिसके बाद थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब भी जदयू विधायक गोपाल मंडल का बड़बोलापन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल विधायक गोपाल मंडल पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन यहां भी उनका भड़काऊ बोल जारी रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज को साजिशन बदनाम किया जा रहा है, यदि अति पिछड़े लोगों का नाम केस से नहीं हटाया जाएगा तो युद्ध जारी रहेगा। इतना ही नहीं, गोपाल मंडल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही अपनी रिपोर्ट बता दी। उन्होंने महिला के साथ बलात्कार होने की पुष्टि भी कर दी।
साथ ही कहा कि हम ही जांच कर दिए, अब क्या जांच होगा। इसके अलावा गोपाल मंडल ने पटना में अभद्र तरीके से मीडिया कर्मियों से बात की और एसएसपी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कई आरोप भी मढ़े। बता दें कि पूरे मामले में अभी तक जातीय रंग देने में लगे मुफट विधायक मामले को शांत कराने के बजाय राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। जांच क्या होगा, विशेष तौर पर क्या होगा, पुलिस मौजूद है, पुलिस नहीं संरक्षण दे रहा है अति पिछड़ा समाज को, और एसपी मौजूद है, नए एसपी आए हुए हैं, वो ये लोग मिलने के लिए जाए, वो मिले नहीं एसपी, जांच क्या होगा। जांच तो हो गया, बड़े पदाधिकारी मिले हुए हैं गलत लड़के के साथ। और सुन लीजिए, ये एक दिन किसी प्रकार का कार्यक्रम था, शील्ड वितरण करने के लिए एसपी साहब आए थे। क्यों आए एसपी साहब, आपको चुनाव लड़ना है, एसडीओ आ जाए तक तो बात हो, पुलिस को कहीं शील्ड वितरण करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण समाज ने उनको बुलाया तो चले आए। 3 घंटा ब्राह्मण के घर में बैठा, छोड़े सबका मन बढ़ गया, तब उन्होंने ये गलत अंजाम दिया। हम जनप्रतिनिधि, हमको बुलाएगा कुछ करने के लिए, शील्ड बांटने के लिए, तो हम कुछ देवो करेंगे, वो आज है कल चले जाएंगे, वो क्या दे सकता है। इन लोगों का मन बढ़ गया कि ब्राह्मण समाज के एसपी आ गए हैं, जो कर देंगे सब पच जाएगा। पचिए न गया, एक कंप्रोमाइज करवाने के लिए, केस को कंप्रोमाइज करवाने के लिए 45 आदमी का नेम्ड एफआईआर किया गया, अज्ञात 250 आदमी को दिया गया, तो कंप्रोमाइज होने वाला है। आग धतकेगा। ब्राह्मण कोई दूसरा हमारा नहीं है, ब्राह्मण समाज के लोग हमारा है, हमको वोट देते हैं, चाहे जिस दल से लड़े वोटवा देता है, लेकिन कुछ मन चले लोगों ने कुकर्म किया।